ये हैं ट्रैफिक वार्डन मिस नबीला, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना रखा है और अपने चैनल पर लोगों को ट्रैफिक बारे मालूमात फ्राहम करती रहती हैं। लर्नर बनाने का तरीका भी बताया है, टेस्ट देने का तरीका भी बताया है, और आजकल मुझे डिमांड आई हुई कि आप ड्राइविंग स्कूल्स को भी विजिट करवाएं हमें। आपने कब ज्वाइन किया था इस फील्ड को? 2006। क्या वजह थी? मुझे एडवेंचर करने का शौक था, मुझे अच्छा लगता था कि यूनिफॉर्म फोर्स है तो लड़कियाँ कैसी लगती हैं यूनिफॉर्म पहन के। घर वालों ने इजाज़त दी थी कि ठीक है आप करना चाह रही हैं करें, या कुछ और चाहते थे कि आप किसी और फील्ड में जाएं? नहीं, माशाल्लाह मेरे सारे घर वाले जो हैं मुझे सपोर्ट करते थे। 17 साल आपको हो चुके हैं। हाँ। इतना लंबा अरसा कोई कम टाइम नहीं है। बिल्कुल। जब आप आई थी तब किस जगह पर थी, आज किस जगह पर हैं? तब तो स्टार्टिंग था और इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हम लोग एक बहुत ही अच्छी फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने एक टाइम देखा है जब बिल्कुल भी कंप्यूटर का दौर नहीं था, तब से लेके अब जब हर चीज़ कंप्यूटराइज है, तो तब और अब में क्या फ़र्क नज़र आते हैं? तब कितने लोगों के दिन में लाइसेंस बन जाते थे, अब कितने लोगों के बन जाते हैं? तब तो ज़रा थोड़ा कम था और इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। अब ज़रा बढ़ गया है और लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो आप काम भी ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो अब तो माशाल्लाह से एक एक सेंटर में हज़ारों के हिसाब से हम लोग लोगों को डील कर रहे हैं। मिस नबीला, मुझे बताइएगा कि इस पूरी फील्ड में इतने सालों में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मेरा ख्याल है मुझे मुश्किलात तो नहीं, मैं पॉजिटिवली मतलब मुझे अच्छा ही फील हुआ है और अच्छे ही मुझे कमेंट्स मिले हैं, लोगों से प्यार ही मिला है। इतनी लंबे टाइम में बंदा थक भी जाता है कि यार बस इनफ हो गया, आप मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती, ऐसा टाइम भी आया है या हर दफ़ा इस चीज़ में आप आगे रही हैं? मेरा ख्याल है कि मेरे पे अभी ऐसा टाइम नहीं आया क्योंकि मैंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। मैं एजुकेशन टीम में भी रही हूँ, मैंने चालान भी किए हैं, उसके बाद फिर मैं लाइसेंसिंग सेंटर्स में भी रही हूँ, अब टेस्टिंग सेंटर की इंचार्ज हूँ, तो हर चीज़ जो थी ना मेरे लिए डिफरेंट थी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, आप चेंज आपके आता रहता है लाइफ में, आपकी ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं, आपकी चॉइस से भी हो जाती हैं समटाइम्स, आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर किसी की बहुत अच्छी है, जैसे अब मैं मीडिया में हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मीडिया सेल को भी ज्वाइन कर सकती हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। तो अगर हम इस फील्ड में, हमारी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इजीली करना चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। अच्छा, तालीम आपने कितनी थी जब ज्वाइन किया था, बाकी अब क्या मामला है? हाँ, मैं जब आई थी तब मैंने ग्रेजुएशन किया था। ठीक है। फिर मैंने मास्टर्स भी इसी जॉब में रह के किया, उसके बाद फिर मैंने एमफिल किया मैथ्स कॉम में। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसको हमने विज़िट किया कि आप सिर्फ अपने हाथ की वीडियोस बनाती हैं और वो सारी बनाती भी कवानीन पे हैं, ट्रैफिक के क्या वजह है? सबसे पहले तो ये है कि मेरी बड़ी रिलीजियस फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे जो हैं उनको यही होता है कि ये एक जॉब तो कर रही हैं, करें अपने शौक के लिए, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा एक्सपोज करना नहीं होता, वो इन पसंद नहीं है फैमिली में। लेकिन कवानीन इसलिए करती हूँ कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, देखें ड्राइविंग टेस्ट देने आते हैं तो लोग ब्रेक लगाने की बजाय रेस दे देते हैं तो मतलब बड़ा हमें डर भी लगता है कि अगला बदला अगर कोई वहाँ पे पब्लिक है तो उनको कोई हर्ट ना कर दें। आपके वीडियोस कौन बनाता है यूट्यूब की? मैं खुद बनाती हूँ, मैं सब काम खुद करती हूँ, कॉन्टेंट भी मेरा होता है, उस पर जो सारा काम किया होता है वो मैं अकेली करती हूँ। सारी हाथ की वीडियोस है और सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से ही हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने सारे कवानीन के बारे में, मतलब साइन सिग्नल्स को भी मैंने डील किया है, उसमें लर्नर बनाने का तरीका भी बताया है, टेस्ट देने का तरीका भी बताया है, और आजकल मुझे डिमांड आई हुई कि आप ड्राइविंग स्कूल्स को भी विजिट करवाएं हमें, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी करूँगी।